भोलेनाथ ने बकरा ही क्यों मंगवाया? बकरा इसलिए मंगवाया कि इधर तो राजा तक्षणी में कि जो कछु दुनिया में सो और बे में होता बकरा में मत मत जावे पर मैं नहीं जावे। तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिलाया, बकरा मरा के गर्दन कटवा के और जो धरता जोड़ी राजा दक्ष उठ करके खड़े हो गए। अब खड़े तो है गए कंधा पर नीचे को तो बेई शरीर हूं मो है वो बकरा सब भीतर देखे चुका वो चाहते वो बात नहीं निकली जो पहले निकलती और निकली तो कहां निकली? अरे बम्बा बम्बा सबसे पहले राजा दक्ष ने बोली, दक्ष से पहले किसी ने नहीं बोली। लेकिन अब तुमने देखा है कावर लाए रहे को ला रहे 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल जा उम्र के बालक ला रहे वो गिनती और बता रहे अकेले में कहो कि मैं 11 नहीं लाया हूं। अकेले मैंने कानम पूछो कि बाप को बांटी कह देना भरी है खिलाफ पिताजी तुम्हें नवाए दू एक जवाब हुई ना तो सुन ले जो 10 और 11 कावर भर के ला रहे हो माता पिता जिंदा बैठे हो तो कावर 21 चढ़ा दो और माता पिता की सेवा बार बार पर तुमने करी ना है तो लाल पेंसिल से 00 मिले और जल्द कुछ नहीं मिलेगा बिना वजह का उपाय भड़क डाल रहे हो। कावर उनके लिए बताई है जिनके घर में कोई सेवा करने के लिए नहीं है। और कावर चढ़ती क्यों है ये कथा हम तुम्हारे सामने इसी भागवत में बताएंगे कि कावर कब से चली है और क्यों शिव जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाया जाता है। जितने जो कावरिया जा रहे का एक वो पूछ रहे हो जाओ मतलब का है क्यों चढ़ाते हैं गंगा जल शिव जी पे। पौराणिक सिद्धांत ऐसी नहीं है कि कोई बनावटी बात हो इसी पुराण में कथा आएगी तुम्हारे सामने कल आ जाएगी कल सुना देंगे कि क्यों गंगा जल चढ़ाया जाता शिव जी पे इसका कारण क्या है। तो आज भोलेनाथ ने जब जिंदा किया दक्ष को यज्ञ पूरा हुआ लेकिन वो जली हुई काया हवन कुंड के पास पड़ी थी सती की। अब भोलेनाथ दुखी भाई हैं कि सती मैंने तुमसे बार बार मना करी पर तुम मानी नहीं। श्रोता बंधु रोए गए थे भोलेनाथ जो बिल्कुल माया से परे थे जिन्हें माया नहीं सताती थी आज पत्नी के गम में बेहू रो गए। और जब आए हैं उस हवन कुंड के पास जहां जली हुई काया पड़ी थी तो देखो ये वृत्तांत मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों ने देखा भी होगा तो सब कथाएं नेट पे आ रही हैं मोबाइल में एक से एक बढ़िया कथा आ रही है पर कोई सुने तब तो हैं? देखो तो मोबाइल पे घंटन कान में लीड लग रही है पिताजी आवाज दे रहे हैं बेकौती खरी दुनिया में सब माता पिता गौर से सुने कान में लीड लगाकर मोबाइल सुनने से मस्तिष्क की हजारों बीमारी पैदा हो रही है ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया डॉक्टरों ने। और तामे बिल्कुल पढ़ने लिखने की क्षमता याददाश्त नष्ट हो जाती है कान में लीड लगाकर सुनने से प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने कि जब हमारे अनुज शास्त्री बैठे हैं कल हम सुन रहे थे कमरा पर कमरा बचा हम कितनी देर बैठे और जो जितनी देर कथा कहते हैं वो एक एक शब्द सुनता हूं बैठ गए
जो सुबह लोटा भर के जल डाला जाता है कलश में, जो कान में लीड लगा करके गाने सुनता है, उसका रिजल्ट ये आया कि भाई कहरो लड़के थे कि नली सांझो को लोटा भर के डाल जा बोलियो पानी। क्या चीज है ये याददाश्त कमजोर हो रही है। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, पढ़ने वाले बच्चे तो ये मान लो बिल्कुल तुम्हारे लिए मोबाइल सुनना जहर है। अगर कान में लगाकर सुनते हो तो, अगर मोबाइल पर देखना तो बढ़िया चीज देखो। देखो पढ़ाने वाले अध्यापक भी बैठे हैं, एक लड़की शायद पिछले वर्ष की बात है, उस ओलंपिक खेल में तृतीय स्थान लाई थी हमारे भारत में, पूरे विश्व में तीसरा स्थान लड़की लाई, लड़का एक होगा ना पाओ, वो लड़की तीसरा स्थान लाई थी। और उसे जब पूछा था पत्रकारों ने कि इसके पीछे रहस्य क्या है, तो सबसे पहला उत्तर उसने दिया था कि मेरी मां ने 6 महीना पहले से मेरा मोबाइल अलमारी में रखवा दिया था, तब मैं यहां तक पहुंच पाई हूं। बताओ पहली वजह बताई मैंने, मोबाइल। तो पढ़ने वाले बच्चों के बीच में सबसे पहली दीवार आ रही है। अच्छी चीज है, उसमें अच्छी चीज भी तो आती है। अब यह तुम्हारी मानसिकता है, कब तुम कहां तक देख पाते हो, सोच का अंतर आता है। तो मैं अध्यापक लोगों से भी कहता हूं कि वो बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और सामाजिक जो सुधार है उस पर विशेष ध्यान